वन फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट टू में आपका स्वागत है। बच्चों आज पहले हम आगे लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बुर्बों राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग जन साधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र 2 में देखिए, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। नए शब्द लिवरे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। बच्चों आज के लिए हम लेसन इतना ही पढ़ेंगे। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बास्तील जेल को तोड़कर कितने कैदी बाहर निकाले गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। बास्तील जेल को तोड़कर 7 कैदी बाहर निकाले गए। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की जनता किस चीज की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पावरोटी। फ्रांस की जनता
पाव रोटी की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी। प्रश्न नंबर 3, सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राचीन राजतंत्र। सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4, सन 1789 से पहले फ्रांस की पूरी आबादी के कितने प्रतिशत किसान थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 90%। प्रश्न नंबर 5, सन 1789 से पहले फ्रांस की कितने प्रतिशत जमीन पर कुलीनों, चर्च तथा तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60%। सन 1789 से पहले फ्रांस की 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च तथा तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रश्न नंबर 6, सन 1789 से पहले फ्रांस के किस वर्ग को करों से छूट थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट ऑप्शन हैं। सन 1789 से पहले फ्रांस के कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को करों से छूट थी। प्रश्न नंबर 7, किसने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोंटेस्क्यू ने। प्रश्न नंबर 8, सन 1776 में अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने खुद को इंग्लैंड से स्वतंत्र करा लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सन 1776 में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने खुद को इंग्लैंड से स्वतंत्र करवा लिया था। प्रश्न नंबर 9, लुई सोल्वे ने एस्टेट्स जर्नल की बैठक कब बुलाने का निर्णय लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 मई 1789 को। प्रश्न नंबर 10, एस्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1614 में। प्रश्न नंबर 11 है, सन 1789 में एस्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्षों के बाद बुलाई गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 175 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 12 है, एस्टेट्स जनरल की सन 1789 की बैठक में तीसरे एस्टेट्स के कितने लोगों ने भाग लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 600। एस्टेट्स जनरल की सन 1789 की बैठक में तीसरे एस्टेट्स के 600 लोगों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 13 है, जैकोब इनकलब का नेता कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोब इनकलब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। प्रश्न नंबर 14 है, जैकोबिनों ने कितनी उम्र के पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। जैकोबिनों ने 21 वर्ष के पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 15 है, फ्रांसीसी उपनिवेशों के दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सन 1794 में। प्रश्न नंबर 16 है, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून कब बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सन 1789 में। प्रश्न नंबर 17 है, नेपोलियन ने समय को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1804 में। प्रश्न नंबर 18 है, किसको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, नेपोलियन को वॉटरलू के युद्ध में पराजय का सामना कब करना पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सन 1815 में। प्रश्न नंबर 20, अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के अधीन थे। प्रश्न नंबर 21, 1794 में
फ्रांस की कौन सी मुद्रा को बंद कर दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लिवरे। 1794 में फ्रांस की लिवरे मुद्रा को बंद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 22, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 1791 में। तो बच्चों, ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।